मीठी बूंदियाँ तो हम अक्सर बाज़ार से लाते हैं या फिर घर पे भी बनाते हैं, और आज हम एक हलवाई से सीखेंगे एकदम परफेक्ट मीठी बूंदियाँ बनाने की रेसिपी, जिसे आप भी घर पे इसको एकदम अच्छे से बना सके। आज यहाँ पर बन रही है करीब 100 किलो मीठी बूंदी प्रसाद के लिए, तो आइए देखते हैं ये इसको कैसे बनाते हैं। बूंदी का प्रसाद बनने के लिए सबसे पहले यहाँ चाशनी बनाई जाती है। तो आपने यहाँ कितना पानी लिया था? 25 लीटर पानी। और शक्कर कितनी डाली? 40 लीटर। 25 लीटर पानी में 40 किलो शक्कर डाला गया है, और इसको अब मिलाया जाएगा अच्छे से और इसकी चाशनी तैयार की जाएगी। तो यहाँ कितनी बूंदी बना रहे हैं हम लोग? अब बनवा रहे हैं 1 क्विंटल बूंदी। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो बूंदी बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले चाशनी बनाई जाती है और उसके बाद बेसन घोला जाएगा, फिर बूंदी बनाई जाएंगी और फिर वो चाशनी में डाली जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि शक्कर जो है कितनी काली हो गई है, चाशनी जो है हमारी, तो इसमें दूध और पानी का मिक्सचर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर प्योर दूध का इस्तेमाल नहीं करते, अगर प्योर दूध डाल देंगे तो दूध जो है जाके फट जाएगा। तो दूध में थोड़ा सा पानी डालकर इसको उसमें डाल दिया जाता है, इससे क्या होता है सारी गंदगी ऊपर आ जाती है और जो शक्कर है वो साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हो कितना सारा इस पर फेना आ गया है। ये फेना जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो शुगर में होती हैं, और बस इसको छान के अलग कर दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, अगर आप डायरेक्ट ऐसी चाशनी बनाएंगे तो जो बूंदी है वो ठीक नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन रही है इसलिए इसमें से इतना फेना निकल रहा है। पर घर पे जब बनाते हैं तो इतना इम्प्योरिटी नहीं होता है, थोड़ा सा ही निकलता है उसमें। तो चाशनी तो बन के बिल्कुल तैयार है और इसमें से बस ये लास्ट टाइम फेना निकाल दिया जा रहा है। अगर आप इसको जितनी देर आँच पे चढ़ाए रखेंगे इस तरह से फेना आता ही रहेगा, पर बेसिकली तैयार है ये चाशनी। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसमें डाला जा रहा है ये फूड कलर, तो ये ऑप्शनल होता है। अगर जैसे ये प्रसाद के लिए बटने के लिए बन रही है तो अच्छी खूबसूरत दिखे, इसके लिए इसमें ये कलर डाला जा रहा है, तो ऑरेंज कलर है ये। और अगर आप घर पे बनाना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो ये देखिए चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी होती जाएगी, इसलिए इस टाइम पर इसको थोड़ा सा पतला रखा जाता है। और अब बनेगी बूंदी। तो सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ली गई है और इसमें डाला जा रहा है ढेर सारा तेल। कितना तेल जाएगा भैया इसमें? ये मिक्सर में बन रही है। 15 किलो घी और 10 किलो रिफाइंड ऑयल दोनों को मिक्स करके डाला जाएगा इसमें। तो वैसे तो इतने सारे तेल की ज़रूरत नहीं होती है, पर क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई है इसके लिए इसमें ज़्यादा तेल इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे कि छारा जो है वो अच्छे से चले। और अब यहाँ पे घोला जा रहा है बेसन। तो इन्होंने एक बहुत बड़े से डब्बे में ये 10 किलो बेसन निकाल लिया है। 10 किलो बेसन में कितनी बूंदी तैयार होगी? 40 किलो। तो यहाँ पर जो बूंदी है वो बैचेस में बनती है, तो 10 किलो बेसन अभी घोला जा रहा है, इससे तैयार बूंदी करीब 40 किलो हो जाती है। तो इस तरह से 2 से 3 बैचेस तैयार किए जाते हैं ज़रूरत के अनुसार। और अब इसमें डाला जा रहा है पानी, और अब इसको हाथ से बहुत अच्छे से घोला जाएगा, जिससे कि जितने भी लम्स हैं या गांठें आपको दिख रही हैं इसमें वो घुल जाए। तो हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप चम्मच वगैरह लेंगे तो ये लम्स नहीं हटते हैं, हाथों से अच्छे से घिस घिस के इसको एकदम स्मूथ कर लिया जाता है। तो इस बूंदी में भी थोड़ा सा कलर मिलाया जाता है, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें ये पानी डालते जाते हैं और इसको हाथों से अच्छे से घोलते जाएंगे। तो अब बेसन को छान लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गांठें हैं, इन गांठों को हटाने के लिए कोई भी बड़ी छन्नी या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे झारे का इस्तेमाल किया है उससे छान लिया जाएगा, क्योंकि बूंदी बनाते समय बेसन को एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर उसमें गांठें रहेंगी तो जब हम बूंदी को झारेंगे मतलब तेल में निकालेंगे तो वो छन्नी में फंस जाएगा और निकलेगा ही नहीं। तो अगर आप घर पे भी करना चाहते हो तो आप कोई भी बड़े छेद वाली छन्नी ले लो, थोड़ी सी आटे वाली छन्नी ले लो चाहो तो, और उससे भी इस प्रोसेस को कर सकते हो। बेसन को अच्छे से छान लिया गया है और आप देखिए एकदम स्मूथ हो गया है, और बस इसको बहुत अच्छे से फेटा जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का सोडा या फिर बेकिंग पाउडर या फिर मोहन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस इसको बहुत अच्छे से फेटा जाता है, जिससे कि एकदम परफेक्ट बूंदी तैयार होती है। तो आप कंसिस्टेंसी देख लें इसकी किस तरह की रखी गई है, पतली है पर एकदम वाटरी नहीं है, इसको गाढ़ा भी रखा गया है और बहुत अच्छे से फेटा भी गया है। और अब झारी जा रही है बूंदियाँ, तो यहाँ पर तेल और जो घी का मिक्सचर था वो बहुत अच्छे से गर्म किया गया है, और बस चमचे से झारी के ऊपर डाली जा रही है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी है, कि अपने आप ही गिर रही है नीचे। तो अगर आपकी जो बेसन है वो अच्छे से घुला होगा और उसकी कंसिस्टेंसी ठीक होगी तो बस इसी तरह की एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर बूंदियाँ गिरेंगी।
तो यहाँ पे अगर आप नमकीन बूंदी बनाना चाहते हो तो बस जो हमने बेसन घोला था उसमें नमक और लाल मिर्च मिला दें तो वो नमकीन बूंदी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए बस फटाफट तैयार होती हैं बूंदियाँ, ये 2 से 3 मिनट ही सेका है इन्होंने और ये निकाल ली जा रही हैं। और अब ये जा रही है शीरे में, तो शीरा क्या बिल्कुल ठंडा है? नहीं नहीं गर्म है शीरा। तो शीरा ठंडा नहीं रखना है यहाँ पर, शीरा गर्म ही होना चाहिए, मतलब एकदम उबलता हुआ गर्म नहीं है। नहीं नहीं उबलता हुआ नहीं, लेकिन गर्म है शीरा, मतलब आप उंगली डालोगे तो शायद उंगली में हल्की सी आपको लगे, तो उतना गर्म शीरे में बूंदी को डाला जाता है। ठंडे शीरे में बूंदी बिल्कुल मत डालिएगा, वो शीरे को अंदर तक सोखेगी नहीं। ये देखिए जितनी बार बूंदी को कढ़ाई में डाला जाता है उसके बाद ये झारा धो के साफ़ किया जाता है, जिससे कि जब दोबारा इसमें घोल डाला जाए तो अच्छे से बूंदियाँ निकल सके। अगर झारे में पहले से ही बेसन लगा होगा तो बूंदियाँ ठीक से नहीं गिरती हैं। तो ये देखिए बूंदियाँ जो है एकदम बढ़िया तरीके से सोख हो गई हैं चाशनी में, और अब कलर देखिए कितना सुंदर आया, एकदम चमकीली एक एक बूंदी देख सकते हो आप। ये देखिए तो इस तरह की यहाँ पर 100 किलो बूंदियाँ तैयार की जाएगी। तो अब आप इस रेसिपी को फॉलो करके मीठी और नमकीन बूंदियाँ दोनों घर पे बना सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट। तो ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।